इंजीनियर तारिक एंड यू पीपल आर वाचिंग माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद तारिक। फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सर्कल के बारे में कि हम ऑटोकैड में सर्कल को किस तरह ड्रा करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम ऑटोकैड 2007 को ओपन कर रहे हैं, जो कि ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह अपने क्या करना है, अपने यूनिट को सेट करना है। तो जस्ट अपने इंटर करना है UN, यहाँ पर जो डेसिमल है इसको कन्वर्ट करना है इंजीनियरिंग में, और पोजिशन को हम ले सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ओके, इसके बाद अगेन प्रेस डी फॉर डायमेंशनल चेंजिंग, क्लिक ऑन मॉडिफाई प्राइमरी यूनिट्स कन्वर्ट्स इनटू इंजीनियरिंग एंड प्रिसीजन टेकन 0.0। साथ में जो टेक्स है उनको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। अप्लाई क्लोज और इसके डायमेंशन का साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो हमारा टॉपिक है सर्कल के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास सर्कल आ रहा है, इस पर क्लिक कर दे। अब ये कह रहे सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, जस्ट हमने इस ब्लैक एरिया में इसको कहीं भी क्लिक करना है। तो ये हमारे पास सर्कल बन गया है, लेकिन अब ये जो सर्कल बन गया है इसका डायमीटर और इसका जो रेडियस है इसका हमें पता नहीं है। तो हम अभी इसको किस तरह मालूम करते हैं, तो अब अगेन आप देख ले, क्लिक ऑन सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, यह हमारा हो गया सेंटर पॉइंट। अभी हमने क्या करना है, इसको हमने रेडियस देना है, तो मैं इसको दे रहा हूँ लेट सपोज 4 फीट। इसको हम आउट कर देते हैं। ये जो निशान XY इसको हम कर्नर पर लेकर आते हैं, इसको हम डिस्प्ले में चले जाते हैं, UCS आइकन इसको ऑफ कर देते हैं, और ये जो सर्कल है इसको रिमूव कर देते हैं। अभी जो सर्कल है इसके हमने चेक करने हैं रेडियस और डायामीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक उनका होगा रेडियस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फुल उसका आता है वो होगा उसका डायामीटर। तो चेक करते इसका रेडियस कितना है जो कि हमने ड्रा कर दिया डायमेंशन। यहाँ पर जाते हैं रेडियस, इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, तो ये हो गया 4। इसको अगेन जूम इन आउट कर देते हैं, जेड स्पेस वी स्पेस, थोड़ा जो डायमेंशनल साइज है उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मॉडिफाई टेक्स्ट का जो साइज उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि नजर आ सके। ओके, सेट करंट क्लोज। अभी इसकी रेडियस देख ले कितना आ रहा है, 4 फीट, ठीक है। और अभी इसका डायामीटर, डायामीटर कितना है 8। ये जो निशान है ये डायामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं और आर रेडियस को। इसके बाद अगेन देख ले, इसको रिमूव कर देता हूँ, सर्कल पे चलते हैं, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। अभी ये कह रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायामीटर, तो अभी मैंने डायामीटर के लिए जस्ट डी को इंटर करना है। कितना देना है मैंने डायामीटर, लेट सपोज 3 फीट, इंटर। चेक करते हैं डायमेंशन फिर चलते हैं, डायमीटर मैंने कितना दिया था 3 फीट। ओके, अभी इसका रेडियस कितना आ रहा है, 6 फीट। ओके, डायामीटर और ये इसका हो गया रेडियस, यहाँ तक उम्मीद है आप लोग क्लियर होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है सर्कल के अंदर, ये तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया सेंटर और रेडियस, सेंटर और डायामीटर। इसके बाद है 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 10 10 रेडियस और 10 10 10। तो 2 पॉइंट्स पर चलते हैं सबसे पहले कि 2 पॉइंट्स हम किस तरह सर्कल ड्रा करते हैं। तो मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ, इसके बाद दूसरा सर्कल ड्रा करता हूँ, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि ड्रा सर्कल ऑफ 2 पॉइंट्स।
है ऑर्डर के अंदर। चलते हैं सर्कल, तो सर्कल में है सेंटर रेडियस, वो तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। सेंटर रेडियस डायमीटर ये भी एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद है टू पॉइंट, थ्री पॉइंट, टेन टेन रेडियस और टेन टेन, इसको हम किस तरह ड्रा करें देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल को ड्रा कर देता हूँ, सर्कल वन। इसके बाद सेकंड सर्कल को मैं ड्रा कर देता हूँ। अभी ये क्या कह रहा है, सर्कल के अंदर जाते हैं और ये कहते हैं टू पॉइंट्स, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल और सेकंड पॉइंट फॉर सर्कल, तो ये इसके अंदर सर्कल ड्रा हो गया। इसके बाद अगेन सर्कल, सर्कल और सर्कल, तो ये हमारे पास तीन सर्कल आ गए। अभी ड्रा के अंदर चलते हैं, सर्कल पे चलते हैं और थ्री पॉइंट पे चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, तो ये हमारा थ्री पॉइंट्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर है टेन टेन रेडियस और टेन टेन, तो पहले मैं टेन टेन को कर देता हूँ, ठीक है। अगेन सर्कल, ये टेन टेन और थ्री पी का जो है वो सेम है। सर्कल सर्कल, चलते हैं ड्रा पे, सर्कल में और टेन टेन, फर्स्ट पॉइंट कह रहे, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा सर्कल ड्रा हो गया। लास्ट जो है सर्कल के अंदर वो है टेन टेन इन रेडियस, तो मैं एक सर्कल को ड्रा कर देता हूँ। एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया। अभी मैं ड्रा कर देता हूँ टेन टेन रेडियस, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। क्या करना है कि हमने इसका जो डिस्टेंस है वो मालूम करने, कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो ये लाइन पे चलते हैं, फर्स्ट और सेकंड, इसके अंदर टोटल फासला आ रहा है 8 फीट और 5.5 इंच। अभी देखते हैं सर्कल टेन टेन रेडियस, फर्स्ट पॉइंट इसे अगर हम हाफ ले ले 4 फीट, सेकंड पॉइंट 4 फीट और 2 इंचेस, 4 फीट 2 इंचेस और इंटर कर देते हैं, फिर भी ये हमारे पास ड्रा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा बढ़ा दे, ड्रा सर्कल टेन टेन रेडियस, फर्स्ट सेकंड, अब अगर हम इसको 5 फीट ले ले तो हमारे पास, सॉरी ड्रा टेन टेन रेडियस, फाइव फीट, ठीक है। तो अभी हमारे पास इसके अंदर सर्कल आ गया। तो फ्रेंड ये होता है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस के बगैर ऑटोकैड में कोई भी कमांड आप आसानी के साथ नहीं सीख सकते, तो इसके लिए आपने इस पर भरपूर प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।